HBN न्यूज, जो सच वही खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज और आपके साथ मैं हूं साक्षी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मिशन द सरकार पटेल ने की मांग, सरदार पटेल की स्मृति में अखंड घाट राष्ट्रीय राजधानी में बनाए जाने की मांग। सिद्धार्थनगर में पुलिस को मिली सफलता, मोटरसाइकिल चोरी करने और नकबजनी करने वाले दो अंतर जनपदीय चोर गिरफ्तार। सिकंदराबाद नगर में सिंगल स्वीट्स और वरुण गारमेंट्स ने पुकार संस्था के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जरूरतमंद बच्चों को जूते स्वेटर दिए। गुजरात झारखंड के बाद यूपी में भी 10% सवर्ण आरक्षण लागू, योगी सरकार ने दी मंजूरी। और मुकेश अंबानी की मोदी से अपील, कहा देश का डेटा देश में रहे, डेटा को कॉलोनाइजेशन को रोके। और अब रुक करते हैं खबरों की ओर। मिशन द सरकार पटेल भारत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जंग बहादुर पटेल ने कहा है कि देश के अब विश्वविद्यालयों में सरदार चेयर स्थापित की जाए। मिशन द सरकार पटेल भारत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जंग बहादुर पटेल ने कहा है कि देश के विश्वविद्यालयों में सरदार चेयर स्थापित की जाए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किसान आयोग को बनाकर संवैधानिक दर्जा के साथ सभी राज्यों में लागू किया जाए। जंग बहादुर पटेल ने कहा, मिशन द सरकार पटेल भारत के 8 राज्यों में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीति पार्टियां महापुरुषों के नाम पर राजनीति कर रही हैं, लेकिन पार्टियां ना तो उनके लिए काम कर रही हैं और ना ही उनके विचारों पर अमल कर रही हैं। त्यागराज आने का हमारा जो मकसद है, वो हमारा जो संगठन है उसकी मांगों से, उनके मुद्दों से लोगों को परिचित कराना, जानकारी देना, उसी मकसद से मैं आज प्रयागराज आया हुआ हूं। और हमारा संगठन है मिशन द सरदार पटेल भारत, जो इस समय भारत के 8 प्रांतों में काम कर रहा है। इलाहाबाद में भी हम संगठन की रूपरेखा तय करने के लिए कल से इलाहाबाद में रुके हुए हैं। हमारी जो मांग है, वो पहली मांग सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में अखंड घाट का निर्माण राजधानी दिल्ली में किया जाए। हमारी मांग है कि सरदार पटेल के नाम पर देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सरदार चेयर स्थापित की जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सरदार पटेल के अंतिम संस्कार स्थल मुंबई में समाधि स्थल बनाई जाए, और उन्होंने कहा है कि मिशन 6 बिंदुओं पर देश भर में जागरूकता अभियान चलाकर सामाजिक न्याय के लिए काम कर रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सरदार पटेल की स्मृति में देश की राजधानी में अखंड घाट बनाया जाए। सिद्धार्थनगर जिले में जिला मुख्यालय पर मोटरसाइकिल चोरी करने और नकबजनी करने वाले दो अंतर जनपदीय चोरों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता हाथ लगी। सिद्धार्थनगर जिले में जिला मुख्यालय पर मोटरसाइकिल चोरी करने और नकबजनी करने वाले दो अंतर जनपदीय चोरों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिला मुख्यालय पर हुई चोरी की इस घटना के खुलासे के लिए सदर थाने की पुलिस के साथ स्वाट टीम और सर्विलांस टीम को लगाया गया था। चोरी की घटना के खुलासे के लिए लगाई गई टीम ने सदर थाना क्षेत्र के कठुआ पुल की चेकिंग के दौरान दो अंतर जनपदीय शातिर चोरों को पकड़ लिया। पकड़े दोनों चोर रिंकू उर्फ छोटले और कल्लू उर्फ दिनेश सहनी जिले के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के महली गांव के निवासी हैं। स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा दो शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, रिंकू और कल्लू की। ये नकबजनी और चोरी के अभियुक्त हैं। इनके द्वारा मोटरसाइकिल चोरी और ज्वेलरी की दुकान में चोरी की गई थी। कीमत लगभग 8 लाख रुपए बरामदगी सोने चांदी और मोटरसाइकिल की, मैं तमंचे के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। इसका एक साथी अभियुक्त भाग गया है। इनके और कौन एसोसिएट रहे हैं या किन घटनाओं में रहे हैं, इसकी छानबीन की जा रही है और पुलिस टीम को 5,000 रूपए नकद पुरस्कार दिया गया। अभी इसकी छानबीन की जा रही कि इनके पास आपराधिक इतिहास या अन्य जिलों में कहां पर है। इनके पास से पुलिस ने चांदी, 125 ग्राम सोने के जेवरात और एक कट्टा, 3 कारतूस, एक मोटरसाइकिल बरामद की, जिसकी बाजार में कीमत तकरीबन 8 लाख रुपए की जताई जा रही है। घटना का खुलासा करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक ने 5,000 रुपए का पुरस्कार दिया।
एचबीएन न्यूज से संवाददाता सुरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। सिंगल स्वेट्स एवं वरुण गार्मेंट्स ने पुकार संस्था के कार्यकर्ताओं के माध्यम से सिकंदराबाद नगर के अलग अलग विद्यालयों में जाकर जरूरतमंद बच्चों को जूते और स्वेटर वितरित किया। सिंगल स्वेट्स एवं वरुण गार्मेंट्स ने पुकार संस्था के कार्यकर्ताओं के जरिए सिकंदराबाद नगर के अलग अलग विद्यालयों में जाकर जरूरतमंद बच्चों को जूते और स्वेटर वितरित किए। इस मौके पर सभी बच्चे बहुत खुश हुए और उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी जागरूक किया गया। संस्था के मीडिया प्रभारी योशित जैन ने बताया कि हम सभी इसी तरह की कार्यक्रम समय समय पर करते रहते हैं। इस मौके पर पुकार संस्था के कार्यकर्ता हर्षित, आदेश, आकाश, उज्ज्वल, अर्जुन, चित्रगुप्त, योशित जैन, दीपांशु, तुषार मौजूद रहे। एचबीएन न्यूज से संवाददाता नितिन जैन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आर्थिक तौर पर कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण के लिए अध्यादेश से संबंधित प्रस्ताव के लिए मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण के लिए अध्यादेश से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसी के साथ यूपी में ये आरक्षण व्यवस्था 14 जनवरी से लागू हो गई है। उत्तर प्रदेश गरीब सवर्णों को आरक्षण देने वाली इस व्यवस्था को लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। योगी सरकार से पहले गुजरात और झारखंड सरकार आरक्षण कानून को मंजूरी दे चुकी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का कहना है कि भारतीयों का डेटा उन्हीं के पास रहना चाहिए, इस पर बाहरी कंपनियों का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का कहना है कि भारतीयों का डेटा उन्हीं के पास रहना चाहिए, इस पर बाहरी कंपनियों का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि डेटा कोलाइनाइजेशन के लिए कदम उठाने जाने चाहिए। अंबानी ने गुजरात वाइब्रेंट समिट के दौरान संबोधन में ये मुद्दा उठाया। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए एचबीएन न्यूज। आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज, जो सच वही खबर।